अतिथियों का आगमन हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस राष्ट्रीय परिषद का नाम जन गण मन है, तो हम सामूहिक राष्ट्रगान से इस परिषद का प्रारंभ करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया खड़े रहिए और हम सामूहिक जन गण मन कहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के तत्वावधान में जन सहभागिता से सुशासन, इस विषय पर आज और कल यह राष्ट्रीय परिषद हो रही है। इस परिषद के लिए मंच पर विराजित सभी गणमान्य और आप सभी भाई बहनों का मैं रविंद्र साठे रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मध्य में है। उनके साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित है। मंच पर रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ अधिकारी आदरणीय अनिरुद्ध देशपांडे जी उपस्थित है। साथ में प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी उपस्थित है और हमारे इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष माननीय प्रताप भाई आचार्य जी भी उपस्थित है। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी को अनुरोध करता हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करके इस परिषद का औपचारिक उद्घाटन करें। Thank you.
परिषद की प्रस्ताव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र के बहुत सफल ऊर्जावान मुख्यमंत्री और जो प्रबोधिनी के हमारे प्रबंधन समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित मध्य प्रदेश के सफल जनप्रिय मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे रामभाव महाड़गी प्रबोधिनी के अध्यक्ष माननीय प्रिंसिपल अनिरुद्ध देशपांडे जी, प्रताप भाई आशर जी, मेरे सहयोगी प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक रविंद्र साठे जी और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे माननीय अध्यक्ष जी एक स्वागत भाषण करेंगे ही, मैं केवल 3 मिनटों में इसकी परिकल्पना को आपके सम्मुख रख रहा हूं। वैसे ये कार्यक्रम दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में यहां होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और गरिमामय बात है। मैं दोनों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी भागा दौड़ी में समय निकाला और दोनों यहां पर आए। आपने हमारी संस्थान की और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, हम आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। ये जनगण मन का विषय है और जन सहभागिता के लिए मैं मानता हूं कि इससे और अधिक सुयोग्य शब्दों का चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन और गण, गण का मतलब मैं अगर शासन व्यवस्था से करूँ तो दोनों का मन जब जुड़ता है तब जन सहभागिता को हम साझा कर सकते हैं। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि 2 दिन की ये जो परिषद है जिसमें मुख्य रूप में 3 बातों पर हम ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि इस विषय में जितने सारे अध्ययन हो चुके हैं वो भी हमें बताते हैं, कि जब जननायक यानी सत्ता में बैठे लोग, इनके इरादे बहुत साफ होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तब लोग सामने से आकर सहयोग देने की भूमिका बनाते हैं। और मैं मानता हूं कि विगत 2-3 महीनों में जो विमुद्रीकरण का सारा सिलसिला चला, अगर लोगों ने उसका साथ दिया तो उसका कारण इरादों के प्रति तनिक संदेह किसी के मन में नहीं है, और मैं मानता हूं अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा है कि जन सहभागिता के लिए कुछ अवसर और अवकाश दोनों निर्माण करने की जरूरत होती है, कहने से केवल होता नहीं, तो लोग आए, जोड़े खुद को, उसमें जुट जाए, सहभाग दे, और उसके लिए अवसर और अवकाश दोनों की जरूरत होती है, जिसकी भी चर्चा हम करेंगे। और अंत में किसी भी सरकारी कार्यक्रम, कल्याणकारी योजना जो भी हो, विकास के जितने भी सारे कार्यक्रम हो, जब तक उसकी जनता के द्वारा ओनरशिप नहीं ली जाती, ये कार्यक्रम कोई किसी एक सरकार का नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि विकास ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों उदाहरण हैं हमारे सामने। शिवराज जी ने जिस पद्धति से नर्मदा के विषय में एक जन आंदोलन खड़ा किया है, और देवेंद्र जी ने जो जलयुक्त शिवार का, मैं मानता हूँ कि वो भी एक जन आंदोलन था, जिसके कारण महाराष्ट्र का वाटर टेबल भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा है। तो इसके उदाहरण साक्षात हमारे मध्य में उपस्थित है। इन सारे विषयों की हम चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों मुख्यमंत्रियों को कि लगभग 22 विश्वविद्यालयों से 47 लोगों ने अच्छे प्रबंध इस विषय पर लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण होगा। राज्य और केंद्र सरकारों की सक्सेस स्टोरीज को भी हम सामने लाएंगे, चर्चा होगी, और अंत में इसका एक हम डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र बनाएंगे कि जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। हमारे मध्य में कई अनुभवी लोग हैं, भाईंदर महानगर की माननीय महापौर हमारे मध्य में उपस्थित है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी जैसे कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हमारे मध्य में श्री माथुर साहब उपस्थित है, बाकी भी कई मान्यवर जैसे पोपट पवार जी जो महाराष्ट्र में एक सेलिब्रिटी सरपंच अगर मैं उनको कहूँ कि जिनकी बहुत विशेषता रही है कैसे गाँव को वो विकास के कामों में जोड़ते हैं, अन्य भी कई अच्छे अच्छे महानुभाव उपस्थित है, और हमारे मित्र जो मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करते हैं श्रीमान प्रवीण परदेशी, अगर उन्होंने सोचा नहीं होता और योजना नहीं बनाते तो शायद ये कार्यक्रम में दोनों की उपस्थिति में भी थोड़ी दिक्कतें आती थी। तो हम सभी का मैं स्वागत करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबके और माननीय दोनों हमारे मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में कहना चाहूँगा कि ये जो रामभाव महाड़गी प्रबोधिनी है जो अभी विगत 34 सालों से काम कर रही है, इसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की एक दृष्टि से जनतांत्रिक शासकता की एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम उस दिशा में एक कदम है। पुनः बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विनय जी। आगे बढ़ने से पहले आज के
हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि जो है उनका हम स्वागत करेंगे। मैं मालगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष आदरणीय देशपांडे सर जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन दोनों का शाल पुष्पगुच्छ और नारियल देकर सम्मान करें। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जी। माननीय शिवराज सिंह जी। आदरणीय देशपांडे सर जी से अनुरोध करता हूं। रामभाव महलगी प्रबोधिनी की ओर से आज और कल जो राष्ट्रीय परिषद होने जा रही है उसके उद्घाटन समारंभ के अवसर पर हमारे निमंत्रण को प्रतिसाद देकर उपस्थित रहे हुए और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, साथ साथ इसी निमंत्रण के प्रतिसाद में और बड़े प्यार से यहाँ उपस्थित रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, इस प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, श्री रवि साठे जी, प्रताप भयाशर, सामने सभागृह में बैठे हुए सभी सम्माननीय गण बंधु भगिनी, मुझे बहुत हर्ष होता है इन दोनों महानुभावों का इस राष्ट्रीय परिषद में स्वागत करते समय। बहुत ही व्यस्तता है दोनों की, हम जानते हैं, यहाँ से मुंबई जाना, मुंबई से दिल्ली जाना और वहाँ जाकर एक बैठक समय पे अटेंड करना। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इतनी व्यस्तता में भी इस कार्यक्रम को न्याय देकर आपने यहाँ उपस्थिति लगाई और मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। जनभागीदारी के दोनों शासनों ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इसलिए उनकी यहाँ रहने वाली अपने मार्गदर्शन की ओर से उपस्थिति मुझे बहुत ही समुचित लगती है, जिसका उल्लेख विनय जी के भाषण में आया। आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में बिल्कुल ही अंत्योदय की योजना का उदाहरण सामने रखते हुए सामान्यतम किसान के खेतों में भी पानी की जो लेवल है वो बढ़ती रहे और सदा सस्टेन हो रहे, इसलिए शुरू किए हुए खेतों के तालाब का जो उदाहरण है, मुझे लगता है कि हमारे देश में और शायद दुनिया में भी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण होगा। मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने तो बहुत सारे उपक्रम शुरू किए। मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूँ तो मैं सराहना सबसे पहले उसकी करूँगा कि आपने शिक्षा में जो जनभागीदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत ही अनोखा उदाहरण है और इसलिए इस राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन के समय इन दोनों उदाहरणों का अनुकरण बहुत और जगहों में हुए ऐसे अपेक्षा में रखता हूँ। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। बहुत जगहों से 22 विश्वविद्यालयों से मुख्यतः युवा वर्ग यहां उपस्थित है और इसलिए मैं आपका बहुत सहर्ष स्वागत करता हूं। जनभागीदारी ये तो अपने सारी तत्वज्ञान का एक मूल चिंतन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जनपदों के विकास का विचार बहुत आग्रहता से अपने चिंतन में एकात्म मार्गदर्शन में रखा है। महात्मा गांधी जी तो पंचायत राज में ही विश्वास रखते थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण होते होते वो जन ही चलाए सारी व्यवस्था और जितना भी कई सहकार्य और उनके लिए एक संरक्षण देने की व्यवस्था हो वो शासन की ओर से हो। मुझे लगता है कि भारतीय मन, भारतीय चिंतन ही इस प्रकार का ही है।
सब कुछ शासन करेगा, हम घर में बैठते रहेंगे, शासन ही हमें देगा तो देगा, नहीं तो और कोई नहीं। इस मनोधारणा से समाज को बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री जी ने दो ढाई वर्षों से किया है। शासन तो अपना कर्तव्य निभाता रहेगा ही, लेकिन साथ साथ जनभागीदारी भी लगे ताकि उसकी ओनरशिप लोगों के मन में पक्की बैठे। ये शासन ने नहीं किया, वो शासन ने नहीं किया, ये करने की बातें तो हमेशा ही चलती है। उससे आगे चलकर कि हम कंधे से कंधा लगाकर इस काम में जुट जाएंगे और इसके लिए बहुत ही आदर्श योजनाएं उत्पन्न करने का काम शासन का होगा, लेकिन योजनाओं की सफलता का काम जो है वो भागीदारी के साथ चलता रहेगा। और इसीलिए बहुत ही अच्छे विषय हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले दो दिनों में, बहुत ही अच्छी चर्चा एकेडमिक और प्रायोगिक स्तर पर प्रत्यक्षता क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इट, इसकी चर्चा होगी। रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी ने इस प्रकार के उपक्रम पहले भी किए। इस प्रकार का एक राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम पिछले वर्ष हुआ था, उस समय स्टार्टअप स्टैंडअप ये इस योजना का ऊहापोह इसमें किया गया था। उसके पहले जो था वो स्वच्छ भारत का विषय लेकर किया गया था। जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनको साथ में लेकर जन प्रबोधन के साथ साथ अपना भी कोई एक काम है, कर्तव्य है, इस भूमिका को अधोरेखित करने का काम ऐसे राष्ट्रीय परिषदों के माध्यम से होता है। मुझे लगता है कि ये दो दिन की परिषद भी उसी दिशा में चलेगी और आगे चलकर क्रियान्वयन का एक प्रोत्साहन देने वाली होगी। इस अपेक्षा के साथ फिर से दोनों ही महानुभावों का मनपूर्वक और आपका भी मनपूर्वक स्वागत करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देशपांडे सर जी। जैसे कि देशपांडे सर जी ने बताया कि इस प्रकार का उपक्रम हम कर रहे 2008 साल से, तो ये आठवीं परिषद आज यहाँ पर संपन्न हो रही है। जैसे पहली परिषद का प्रारंभ किया उस समय कार्यकर्ता निर्माण यह विषय था, बाद में अभी पिछले बरस स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, उसके पहले स्वच्छ भारत इस विषय के ऊपर हमने किया, बाद में CSR के ऊपर हमने किया, तो तरह तरह के विषय के ऊपर इस प्रकार का आयोजन हम कर रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम कर रहे हैं कि जन सहभागिता से सुशासन। मैं अब अनुरोध करता हूँ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि कृपया वे अपना भाषण करें। महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, वर्षों के अंतराल के बाद सुशासन को धरती पर उतारकर महाराष्ट्र की और जनता के दिल में अपना स्थान बनाने वाले मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय देश पांडे जी अध्यक्ष प्रबोधिनी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और मेरा रिश्ता अब इसलिए भी ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं, तो बार बार उनसे मिलना होता है और उनके आइडियाज को भी हम कई बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय प्रताप भाई, जब वो दिखते हैं तो प्रमोद जी याद आ जाते हैं, आदरणीय रविंद्र साठे जी, उपस्थित हमारे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं विषय प्रारंभ करूं उसके पहले एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं पहली बार विधायक बना 1990 में, ऐसे विधानसभा क्षेत्र से बना जहां बीजेपी कभी जीती नहीं थी, और मुझे चुनाव इसलिए लड़ाया गया था कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था, शायद ये जीत जाएगा वहां से, नहीं तो वो सीट ऐसी मानी जाती थी कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र में, जहां से अटल जी भी कभी चुनाव लड़े थे, आज सुषमा जी सांसद हैं, 5-6 विधानसभाओं में हम जीतते थे, और जैसी बुधनी की पेटियां उस समय खुलती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, तो अकेली बुधनी सब जगह की लीड को खा जाती थी और बीजेपी हार जाती थी। मैं पहली बार विधायक बना तो लोगों के मन में उत्साह आया, मैं दौरा करने गया तो गांव-गांव में स्वागत हुआ। एक गांव था श्यामपुर, वहाँ मेरे स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था और आसपास के 25-30 गाँव के लोगों को उन्होंने भंडारा किया था, बोल भोजन करना है, कार्यक्रम भी होगा और भोजन भी होगा सबका, हजारों की भीड़ थी वहाँ, सबका भोजन था और स्वागत में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। जब मैं मंच पे पहुँचा, स्वागत हुआ और उसके बाद एक मांग पत्र मुझे दिया गया। उस मांग पत्र में एक बात ये लिखी थी कि हमारे गाँव में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है कुआं
और तीन साल से सफाई ना होने के कारण कुएं का पानी गंदा हो गया है, उसमें कीड़े पड़े हैं, बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया देने की कृपा करें। अब मेरा मन बेचैन हो गया, मैंने उनसे पूछा, मैं मंच पर ही खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई ये जो स्वागत सत्कार है इसमें कितना खर्चा किया है? उसने कहा साहब स्वागत सत्कार थोड़ी, भोजन भंडारा भी है, आसपास के सब गांव के लोग आए हैं, तो कितना खर्चा किया? तो उस जमाने में 90 में वो लाख के ऊपर था खर्चा, एक गांव के लोगों ने जो इंतजाम किया था, पूड़ी सब्जी बाकी सब चीज़ें। तो मैंने कहा भैया विधायक के स्वागत में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा आपने इकट्ठे की, कहाँ से लाया? वो इकट्ठे किया सब ने, चंदा किया, तो विधायक के स्वागत के लिए 1,00,000 रुपये तुम्हारे पास से, और गांव के कुएं की सफाई 3 साल से नहीं हुई उसके लिए 5,000 रुपया नहीं है, मुझसे मांग रहे हो? तो जो उत्तर आया कि देखो साहब आप विधायक हो हमारे, आपका स्वागत करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई करना हमारा नहीं है, सरकार का काम है, हम क्यों करेंगे, ये सरकार करें। अब मुझे लगा कि अगर ये माइंडसेट जनता का रहा तो कितनी भी योजनाएं चला लो वो योजनाएं कभी सफल हो नहीं सकती। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जिनके हाथ में सरकार आई दिमाग ये बना कि हम शासक हैं, जनता शासित है, और केवल राज चलाने वालों के दिमाग में बात नहीं आई, नौकर साहब ब्यूरोक्रेट्स अधिकांश का माइंडसेट ये बना, दिमाग ये बना कि भाई योजना बनाना हमारा काम है, अकल का और बुद्धि का सारा ठेका या तो मंत्री मुख्यमंत्री के पास है या फिर उनकी सहयोगी जो टीम है ब्यूरोक्रेट्स की उनके पास है, जनता का क्या लेना देना, जनता क्या समझती है, हम योजनाएं बनाएंगे। और योजनाएं ऐसी बनती रही, अच्छे अफसर भी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री मंत्री भी हुए हैं, मैं सबको एक तराजू में नहीं तोल रहा, लेकिन सचमुच में कई बार आश्चर्य होता था कि कृषि विकास की योजनाएं वो बनाते थे जिन्हें कभी खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, भिंडी ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, जिनको ये पता नहीं वो कृषि के उत्पादन को दुगना करने की योजना बना दें, गाँव की गलियां जिन्हें नहीं देखी वो ग्रामीण विकास की योजनाएं बना दें। भाई जिस जनता के लिए आप योजनाएं बना रहे हो उस जनता की जरूरत क्या है, आवश्यकताएं क्या है, जब तक आप ये पता नहीं करोगे योजनाएं आपकी हवा में रह जाएगी। एक उदाहरण देखिए, स्वच्छता की बात कब से चल रही है हिंदुस्तान में, एक नहीं अनेकों लोग, हम तो जब से बड़े हुए हैं, सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, हालत क्या थी, जनता को सफाई से कोई लेना देना नहीं था। मध्य प्रदेश में जितनी बिल्डिंग्स में देखता था सरकारी, कोने में अगर जाओ तो पीक से लाल होती थी, हर कोई आता था पीछे से पान, मध्य प्रदेश में ज़्यादा खाते हैं, महाराष्ट्र में शायद कम खाते होंगे, अपने थूका और निकल गए। भोपाल में पानी में कैल्शियम की कमी थी, माथुर साहब जानते होंगे, तो लोगों की चूना खाने की आदत थी, चूना हाथ में ऐसी उंगली में चूना, अब तो कम हो गई, और वो पान खाया और बीच बीच में चूना चाटते रहते थे, और हर कहीं चूना लगाया हुआ आपको मिल जाए। स्वच्छता की बात होती थी लेकिन जहाँ लिखा रहता था कृपया कचरा ना डालें, वहीं लोग कचरा पटकते थे, क्योंकि जनता इस अभियान के साथ नहीं थे। अपने अनूठे प्रधानमंत्री, सचमुच में युग पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, स्वच्छता के इस अभियान को जन अभियान ऐसा बनाया कि आजकल अगल बगल में, अगर वैसे तो अवेयरनेस इतनी आ गई, दिमाग बदल गया है, शहरों में एक प्रतियोगिता चल रही है, होड़ मची हुई है स्वच्छता में नंबर वन कौन रहता है, लेकिन उस होड़ के अलावा भी अब अगर किसी को कचरा फेंकना हो तो वो अगल बगल में देखता, कोई देख नहीं लेनी तो कहेगा क्या, कितना नालायक है ये गंदगी फैला रहा है। पूरा माइंड सेट एक अभियान ने जनता को, जिस अभियान से प्रधानमंत्री जी ने जनता को जोड़ दिया, माइंड सेट बदल दिया। छोटे छोटे बच्चे अगर कोई कचरा फेंके, जानते नहीं हो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने क्या कहा था, एकदम दिमाग बदल गया अभियान। आज देखिए हम शहरों का स्वरूप बदला हुआ देख रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक शासन प्रशासन के साथ जन सहभागिता नहीं जुड़ेगी तब तक काम नहीं चलेगा। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मैं और एक बचपन की छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। मैं समाज सेवा के कामों में बचपन से सक्रिय रहता था और बेटियों के प्रति मेरे मन में प्रारंभ से आदर का भाव था, इसलिए कि मैंने अपने गांव में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटा अगर पैदा हो तो मुखमंडल खिल जाए माता का भी, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो बाकी को तो छोड़ दीजिए मैया का चेहरा उतर जाए, भेदभाव होते हुए देखा था। तो मुझे लगता था नहीं, बेटा बेटी बराबर मानना चाहिए। तो एक सभा में मैं भाषण दे रहा था, सामाजिक कार्यक्रम था, कि बेटी को आने दो, बेटी बहुत अच्छी होती है, बेटियों के साथ भेदभाव मत करो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और कहा, भाषण तो बड़े बड़े दे रहा है, बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी तो दहेज के अंजाम क्या तू करवाएगा भैया?
तो मुझे लगा कि यार ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा, समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बुलाई महिला पंचायत। एक अनोखा प्रयोग मध्य प्रदेश ने किया, हमने तय किया कि फैसले बल्लभ भवन, बल्लभ भवन मतलब मेरा सेक्रेटरिएट, उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री और नौकरशाह नहीं करेंगे। जिस समाज के, जिस वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाना है हम उस वर्ग को बुलाएंगे। भोपाल में सीएम हाउस में हमने एक ऐसा डोम परमानेंट बना रखा है जहाँ 3,500-4,000 लोग आ जाते हैं और हम उनकी पंचायत बुलाते हैं, जैसे महिला पंचायत बुलाई। तो महिला पंचायत में हमने आईएएस, आईपीएस, सरपंच, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनसे लेके झाड़ू पोंछा और बर्तन करने वाली बहनें भी हमने सब बुलाई अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि के रूप में। और फिर हमने चर्चा शुरू की कि सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए। तब उसमें से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। उन्हीं बहनों ने मुझे कहा कि देखो जब तक बेटी बोझ रहेगी तब तक बेटी को आने से दुनिया रोकेगी, केवल भाषण देने से काम नहीं चलता, उसे ऐसी योजना बनाए जिससे बिटिया बोझ ना रह जाए, बेटी वरदान बन जाए। तब हमने लाडली लक्ष्मी बनाई कि बेटी की पैदा होते ही 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के रख देंगे, समय के अभाव में उस योजना को बताने की जरूरत नहीं है। और वो लाडली लक्ष्मी योजना इतनी पॉपुलर हुई कि 24,00,000 से ज़्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। और जिनको हम, जिनके खाते में 9,000 करोड़ रुपये हम जमा कर चुके हैं, और जब वो बड़ी होगी तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया उनको मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ जब उनकी शादी होगी। तो एकदम पॉपुलर योजना केवल सरकार ने नहीं बनाई, जनता के बीच से योजना निकल के आई। अब मुझे लगता था वो बूढ़ी अम्मा की बात याद थी कि शादी में दहेज का इंजाम क्या तू करेगा, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाओ, जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी सरकार करेगी। पहले आलोचना हुई कि सरकार का काम कोई शादी करना है, बाद में वो योजना इतनी पॉपुलर हुई कि कई राज्यों ने भी उस योजना को अपनाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के अनेकों पहलू, मुझे कहा कि भैया अगर सही अर्थों में तुम सशक्तिकरण करना चाहते हो तो चुनाव कितनी बहनें लड़ती जरा बता दो, चुनाव लड़ने के लिए तो साहब आ जाएंगे, बहन क्या करेगी, तू तो रोटी बना, भोजन बना, 25 लोग और आने वाले, घर में बैठ। लेकिन अगर वो ले राजनीतिक सशक्तिकरण करना है कर दो, 50% बहनें लड़ेंगी चुनाव, ये तय कर दो, देखो बहनें कैसे निकल के आती है। और सचमुच में उस फैसले का ऐसा परिणाम हुआ कि आज राजनीतिक सभाओं में आधे से ज्यादा बहनें बैठी रहती है, और मेयर से लेके, यहाँ की बहन भी मेयर अभी मुझे मिली थी बहनदर से, इतना अच्छी सरकारें चला रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। धारणा बदल दी कि बहनें कैसे सरकारें चलाएगी। ये सारी चीजें कहां से आई, जनता के बीच से आई। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग, मैंने वृद्धजन पंचायत बुलाई कि बुजुर्गों के लिए क्या करें। आमतौर पर दिमाग में क्या बात आती है, उनके लिए भोजन का इंतजाम हो जाए, अखबार पढ़ने का इंतजाम हो जाए, टीवी देख लें। लेकिन एक बुजुर्ग उसमें से खड़े हो गए कि ले बेटा शिवराज, अरे रोटी वोटी तो ठीक है, मरने के पहले तीर्थ की यात्रा करवा दे रहे। इतने मासूम भाव से और ऐसे अंदर के उनका मैंने चेहरा देखा कि उनको लगा कि रोटी तो ठीक है लेकिन मरने के पहले अगर चारों धाम की यात्रा कर ली तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बना दी कि 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको हम तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, ट्रेन बुक होती है, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ट्रेन से उतार के अगर बस से ले जाना हो तो बस की व्यवस्था, जाने की आने की सब व्यवस्थाएं, और स्टेशन पर तिलक लगा के स्वागत करने की व्यवस्थाएं, वापस लौटाने की व्यवस्थाएं। कितना आनंद मिलता है आप कल्पना कर सकते हो। मध्य प्रदेश में ऐसी पॉपुलर हुई के बाद में उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलने के लिए। अब खेती के बारे में जो प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया कृषि महोत्सव का, मध्य प्रदेश में मुझे खेती को लाभ का धंधा बनाना था क्योंकि मैं जानता था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो खेती को हमको ठीक करना ही होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैं नहीं सोच सकता था कि एकदम इंडस्ट्री आ जाएगी, 65% से ज़्यादा आबादी हमारी खेती पे। हमने ऐसी योजना नहीं बनाई कि बल्लभ भवन में बैठ के योजना बना दी कि ये करो ये करो, हमने जन आंदोलन बना दिया कृषि की आय को दुगना करने का। हर साल मध्य प्रदेश में एक महीना कृषि महोत्सव चलता है, उस कृषि महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, विशेषज्ञ, सफल किसान, ये सब इकट्ठे होते हैं, रथ बनते हैं, ये उस रथ पे बैठ के गांव में जाते हैं और गांव में जाके फिर किसानों के साथ परिसंवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गोष्ठी करते हैं और फिर तय करते हैं कि इस गांव की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, और उसमें से हमने रोड मैप बनाया। तो आज हालत ये है कि 4 साल में मध्य प्रदेश में लगभग डबल उत्पादन, जस्ट डबल उत्पादन हमने कर दिया, 20% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ है। आप सब जानते हैं, विद्वान हैं, 2-3% अगर कृषि विकास दर होती है तो लोग उसको मानते हैं कि बहुत पर्याप्त है, लेकिन 20% से ज़्यादा कोई अभी भी कृषि आय कैसी दुगनी हो, जनता को जोड़ के कर रहे हैं हम, केवल कृषि विभाग का अमला नहीं। तो क्या होता था पहले
कृषि विभाग के अमले में और किसानों में कोई तालमेल ही नहीं होता था। किसान कहते थे ये कल के लड़के ये क्या सिखाएंगे हमको, और ये पैंट के पतलून पहने पहनाए उनके बीच में ढंग से जाते ही नहीं था। दोनों को जोड़ के एक टीम बन गई और उसके साथ साथ विशेषज्ञों को जोड़ दिया। इतने उदाहरण हैं। अब नर्मदा सेवा यात्रा की बात विनय जी कर रहे थे, पर्यावरण बचाओ, नदी संरक्षण करो, पानी प्रदूषित मत करो, कब से अपने देश में बातें चल रही है, कितने वर्षों से बात चल रही है। मुझे लगा कि नदी को अगर संरक्षित करना है तो भाषण से काम नहीं चलेगा, सरकारी योजना से काम नहीं चलेगा, जनता को जोड़ दो। अब नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा जी के पानी से मैं 30% मध्य प्रदेश में सिंचाई अगर कर रहा हूँ तो नर्मदा जी के पानी से कर रहा हूँ। नर्मदा जी ऐसी नदी है जिनके पानी को लिफ्ट करके हम छिपरा में ले गए, जिनके पानी को लिफ्ट करके हम गंभीर में ले जा रहे हैं, काली सिंध में ले जा रहे हैं, पार्वती में ले जा रहे हैं, जिस हिस्से में प्रदेश में कहते हैं शिवराज पानी ले आओ, मैं नर्मदा मैया के हाथ जोड़ता हूँ, चले चल मैया लाज रख ले, और पाइप में भर के ले जाता हूँ और पानी वहाँ पहुँचा देता हूँ। अब जो इतना सब दे रही है उस नदी का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं। अब जब लोगों के मेरे मन में ये भाव आया कि चूंकि ग्लेशियर से नर्मदा जी नहीं निकलती, नर्मदा तो सतपुड़ा और विंध्याचल के जो घोर घने जंगल है और उनके पेड़ जो वर्षा का जल अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, वो बूंद बूंद जल नर्मदा बनता है, इसलिए नर्मदा अगर बचाना है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जंगलों की अंधाधुंध कटाई पिछले 150 वर्षों में हुई है, इसलिए पेड़ लगे। शहरों के सीवेज का पानी नर्मदा जी में ना जाएं, पूजन के नाम पर नर्मदा जी को प्रदूषित ना करें, गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा जो केमिकल युक्त रंग उससे बनी रहती है उनका विसर्जन ना करें। अब ये मैं भाषण देता तो कोई मानता क्या? मैंने भाषण नहीं दिए, हमका नर्मदा माँ की महिमा का बखान करके हमने तय किया कि आओ, जो माँ हमको जल दे रही है, जो माँ हमको अन्न के भंडार भर रही है, पानी दे रही है, जो माँ हमको बिजली दे रही है, पानी से हम बिजली बना रहे हैं, जो माँ अमृत जैसा पानी दे के स्नान का आनंद दे रही है, क्या उस माँ के लिए हमारे मन में कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमको उस माँ को नहीं बचाना चाहिए? और जब हमने उदाहरण दिए कि तुमने क्या दिया, उसने अमृत जैसा पानी दिया, तुमने सीवेज पूरा का पूरा उसमें डाल दिया, जब हमने इन सब तथ्यों को रख के कहा कि अकेले शिवराज नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, आओ माँ को बचाने के लिए निकल पड़े, माँ का कर्ज उतारना है, मध्य प्रदेश की जनता उतर पड़ी सड़कों पे। आप मध्य प्रदेश में आप जाके दृश्य देखिए, हजारों लोग उमड़ते हैं, छोटे छोटे गांव में जिनकी आबादी 1500 नहीं होती, वहाँ 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और स्वामी हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ये मंत्र रचा था, वो नारा बन गया, जनता गांव के नारे लगाते हैं, त्वदीयपाद पंकजम, सब चिल्लाते नमामि देवी नर्मदे। और आज हालत ये हो गई है कि कोई पूजन सामग्री के नाम पर भी नर्मदा को प्रदूषित करने के लिए तैयार नहीं है। सबने कहा पूजन कुंड बनाओ, जो कुछ डालना है, चुनरी डालना है, तेल डालना है, साबुन डालना है, घी डालना है, शक्कर डालना है, वो पूजन कुंड में डालेगा, उससे हम जैविक खाद बनाएंगे। नर्मदा जी का अभिषेक काय से करोगे? नर्मदा जी के जल से करेंगे, और कुछ नर्मदा जी में नहीं डालेंगे। सीवेज की पूरी तैयारी हो गई, हर घर शौचालय बन गया, नदी के किनारे कोई जाकर नहीं बैठेगा, उसकी उसका संकल्प ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने फैसला कर लिया नर्मदा तट के दोनों तरफ के जो गांव हैं कि हम अब केवल फलदार पेड़ों की खेती करेंगे, क्योंकि पेड़ अगर होंगे तो माँ बचेगी, और माँ बचेगी तो हम बचेंगे। जन आंदोलन खड़ा हो गया है, इतना बड़ा जन आंदोलन कि कल्पना आप नहीं कर सकते। समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक नहीं, ऐसी अनेकों चीज़ें मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने चलाई है जनता की सहभागिता से योजनाओं के क्रियान्वयन की। मैंने अभी कृषि की आपसे बातचीत की, नशा मुक्ति के अभियान को हम जन आंदोलन बनाने का स्वरूप दे रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, रोजगार वाला मामला, स्वरोजगार की कई योजनाएं चली। अब योजनाएं कैसी चलती थी, मैं सांसद था तो उस जमाने में कांग्रेस के जमाने में एक योजना चलती थी आईआरडीपी, उसमें लोगों को लोन देते थे काम धंधे के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, भैंस के लिए ले लो, गाय के लिए ले लो, किराने की दुकान के लिए ले लो। और मैं सांसद के नाते जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता था तो लोगों से पूछता था कि भाई आईआरडीपी का लोन कौन कौन को मिला है, हाथ उठाओ, तो कुछ उठाते, कुछ शर्म में नहीं उठाते, जो उठाते उनसे पूछता कितना मंजूर हुआ था, कितना मिला, कितना मंजूर हुआ था, क्या लग साहब मंजूर तो 20,000 हुआ था, काहे के लिए, किराने की दुकान के लिए, काहे किराने की दुकान, तो थोड़ा झेप जाता था। फिर मैं पूछता था भाई बताओ काहे किराने की दुकान, कह रहे साहब 20 मंजूर हुए थे, पल्ले तो 10 ही पड़े थे। मैंने कहा 10 कहाँ गए? बोले वो तो वो बैंक वालों ने धर लिए। मैंने कहा बाकी 10 का क्या हुआ? बोले आधे उनने खा गए, तो साहब आधे हमने भी खा गए, ना आई है, ना आर है, ना डी है, ना पी है, फिर से दिलवा दो। ये योजनाओं का हसर होता था। अब हमने योजना बनाई, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई, युवा स्वरोजगार योजना बनाई। मैंने मध्य प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और उसमें हम
केवल बैंक पर नहीं छोड़ते, केवल अधिकारियों पर नहीं छोड़ते, हम युवाओं के सम्मेलन आयोजित करते हैं, उनमें से जिनमें टैलेंट है, जिनमें तड़फ है, उनका हम चयन करते हैं कि ये युवा उद्यमी का मतलब है 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ से विनय जी 2 करोड़ कर दिया, क्योंकि छोटी मोटी अगर इंडस्ट्री डालनी है तो 2 करोड़ कम से कम चाहिए, फूड प्रोसेसिंग किया बाकी कोई तो 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी, क्योंकि माता पिता के पास पैसा नहीं है। 5 साल तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और बाद में उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी हम मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी भी देने की कोशिश करेंगे। और उसको हमने फिर ऐसे सफल उद्यमियों का कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो अपनी प्रदर्शनी भी लगाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसी चीज़ें बिक रही है, उसमें बाकी नौजवानों को बुलाते हैं। तो एक आंदोलन बन गया धीरे धीरे, नहीं तो मध्य प्रदेश की जनता देवेंद्र जी बहुत अच्छी जनता थी और भगवान पर भरोसा रखती थी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कौन ज़्यादा चक्कर में पड़े। ठीक है, भगवान ने चोंच दी तो चुन भी देगा यार, कहाँ ज़्यादा चक्कर में पड़ो, तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे, जैसे हैं उसी में प्रसन्न संतोषी जीव, मतलब एक तरह संतोष का भाव मन में। हमने कहा कि हम शांत मन को अशांत करना चाहते हैं, हम क्यों गरीबी में जिए, हम क्यों पिछड़े रहें, हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं वो मध्य प्रदेश के नौजवानों के मन में ये भरने की कोशिश कर रहा हूँ उद्यमता का गुण, नहीं तुम टाटा बिरला अंबानी जैसे उद्योगपति बन सकते हो। और धीरे 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 मध्य प्रदेश में वो भाव पैदा हो रहा है, जन सहभागिता से, जन आंदोलन से, इसके बिना नहीं हो सकता। हमने तो सुशासन की अगर बात करें तो हमने एक प्रयोग प्रारंभ किया पहले मध्य प्रदेश में, समाधान ऑनलाइन, जनता आवेदन देती थी, उन आवेदनों से हमने कुछ आवेदन छांटे और छांट के फिर हर मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को मैं CM सेक्रेटरिएट में बैठता हूँ, मेरे साथ मेरे अफसर बैठते हैं और सामने बैठते हैं अलग अलग ज़िलों में वहाँ के कलेक्टर, संबंधित सारे अधिकारी, जिसकी समस्या होती है वो या तो मेरे पास बैठता है या वहाँ कलेक्ट्रेट में बैठता है। मैं उससे पूछता हूँ, भाई बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, वो बताता है। मैं अधिकारी से तुरंत स्पष्टीकरण मांगता हूँ कि इसका काम कैसे नहीं हुआ, और अगर पात्र था काम नहीं हुआ तो तुरंत मैं कार्रवाई करता हूँ, सस्पेंड कर देता हूँ, जो अलग अलग कार्रवाई करनी होती है वो करता हूँ। अब उससे जनता इतनी जुड़ गई कि कई बार वो दादागिरी करती है कि देखो कर दो नहीं तो समाधान ऑनलाइन में चले जाएंगे। हमने एक CM हेल्पलाइन चलाया। भाई आज का जमाना नेताओं के पीछे दरखास्त लेके जनता कागज लेके कब तक दौड़े, जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उसलिए एक फ़ोन घुमाओ, हमारा कॉल सेंटर बना हुआ है, 500 के करीब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जैसी समस्या आती है उसको विभाग के पास भेज देते हैं और विभाग को हल करके उनको देना होता है। और वो क्लोज हम तब करते हैं जब सामने वाले से फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, उसके बिना क्लोज नहीं करते, हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो CM हेल्पलाइन इस समय मध्य प्रदेश में जन आंदोलन बन गई है। तो सुशासन को भी अगर देना है तो जनता के सहयोग से सुशासन देने की कोशिश करनी है। वैसे जन सुनवाई मध्य प्रदेश में होती है। एक उदाहरण हमने रूरल डेवलपमेंट के मामले में किया, हमने आप लोग, आपका भी महाराष्ट्र का पहले का अनुभव होगा, पहले आवास कुटीर आती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मकान कंप्लीट हो गया, पहली किस्त के बाद तो दूसरी किस्त नहीं मिल रही, चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसे मांग लेते थे, अब तय कर दिया कि मकान के पास खड़े होकर फोटो अपलोड कर दो। आपने फोटो अपलोड कर दिया, तुरंत दूसरी किस्त आपके खाते में आ जाएगी, किसी से वैल्यूएशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। शौचालय वाले मामले में ये क्या बन गया, अपलोड फोटो कर दो, पूरा पैसा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। और जनता भी अब दादागिरी से कहती है, फ़ोटो खिंचवाया कर दिया कि देखो हो गया और पैसा आ जाएगा, तो खाना पीना बंद हो गया। तो ये जो सुशासन के जितने प्रयोग हैं ये जन आंदोलन बनाए जा सकते हैं जनता के सहयोग से ही, जनता में अवेयरनेस पैदा हो गई। CM हेल्पलाइन में चले जाएंगे हम, समाधान ऑनलाइन में हम चले जाएंगे। तो कुल मिला के अगर जनता को हमने साथ खड़ा किया तो विकास को भी हम आंदोलन का स्वरूप दे सकते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश, जैसे आपने यहाँ किया देवन जी, हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान, वाटर बॉडीज बनाओ, पूरा पैसा सरकार नहीं लगाएगी, कुछ जनता के कम से कम, और कुछ नहीं, पैसा नहीं लगा सकते तो मेहनत करो। तो हमने लगभग 7 लाख छोटी बड़ी जल संरचनाएं मध्य प्रदेश की धरती पर बना के खड़ी कर दी। हमने एक अभियान चलाया हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव में क्या करते हैं, जैसी बरसात आती हरियाली तीज होती है हमारे यहाँ, उस दिन से हम वृक्षारोपण शुरू कर देते हैं। टारगेट 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, 1 व्यक्ति 1 पेड़ लगाए, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, साल में 1 व्यक्ति 1 पेड़। और बाय एंड लार्ज हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में 1 पेड़ लगाता है, तो हमारे 7.5 करोड़ पेड़ लग जाते हैं, जन आंदोलन बन गया वृक्षारोपण। अभी हमने और एक कार्यक्रम शुरू किया, आनंद उत्सव, एक विभाग ही बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं तो क्या मतलब है, आनंद ही नहीं तो क्या मतलब है, प्रसन्नता ही नहीं है तो क्या मतलब है। मैंने मध्य प्रदेश में देखा उदाहरण कि जिनके पास गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं,
धन दौलत का कूद भंडार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास बड़े बड़े पद हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ज़्यादा मैंने जिनके पास सब कुछ है उनको आंसू बहाते हुए देखा है। मैंने देखा है मध्य प्रदेश के अलराजपुर झाबुआ जैसे जिलों में गरीब आदिवासी धरती के बिछोने पे आसमान की चादर ओढ़ के मस्त सो जाता है, कल खाने का है तो कोई चिंता ही नहीं, नाचता है गाता है मस्ती मनाता है, और जिनके पास सब कुछ है वो दो टाइम का भोजन ढंग से नहीं खा पाते, नींद के सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। तो विषय लंबा हो जाएगा, समय की सीमा है। तो मेरे मन में भी ये विचार आया, और वो विचार आया उज्जैन के अपने सेहत से महाकुंभ से, जब हमने कई तरह की परिचर्चाएं की कि एक ऐसा विभाग बनाओ जो लोगों के दिल में लोगों के मन को आनंद से भर दे। जब मैंने पहले पहले घोषणा की तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि शिवराज ने कोई नई चीज़ छोड़ दी है, आनंद विभाग, आनंद विभाग क्या करेगा। लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम आनंद जनता के साथ मिल गए, जैसे हमने एक आनंद उत्सव मकर संक्रांति के दिन शुरू किया, और उसमें क्या किया हमने तय किया कि खेलकूद की अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होगी। खेलकूद कौन कौन होंगे, दादा दादी नाना नानी, बूढ़े भी दौड़ेंगे, युवा भी दौड़ेंगे, माताएं बहनें दौड़ेगी। ऐसा उत्सव चलता रहा कि गांव में आनंद और मस्ती का ही माहौल रहा। दादा दौड़ रहे हैं तो देख के लोगों को मजा आ रहा है, दादाजी को भी मजा आ रहा है, दादी को मजा आ रहा है, अलग अलग तरह के अनूठे खेलों का आयोजन। एक छोटी सी चीज़ हमने तय की कि कई बार हमारे पास कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े, मुझे मेरा 8 में काम चल जाए, तो कई ऐसे जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें और कई ऐसे जिनको चीज़ों की ज़रूरत है। हमने जिला मुख्यालयों का भी शुरू किया, उसको कस्बों तक गांव तक ले जाएंगे कि भाई जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो आप रख जाओ और जिसको ज़रूरत हो वो ले जाओ। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। अब इसमें आनंद कितना है, सर्दी के दिनों में अगर गर्म कपड़े आपने रख दिए, कंबल अगर आपने रख दिए, तो आपके मन के मन में ये आनंद का भाव कि मैं किसी की, मेरे कंबल किसी के काम आ रहे हैं, और जिस गरीब को ज़रूरत है बिना किसी एहसान के वो उठा के ले जाता है तो वो सर्दी से बच जाता है, उसको भी आनंद। ऐसे एक नहीं कई प्रयोग हम एक कार्यक्रम अभी करने वाले विराम वाला, उसमें सब शासकीय कर्मचारियों से कहने वाले कि 5 मिनट केवल शांति से बैठो, बाहर की दुनिया छोड़ दो, अंतर्मुखी हो जाओ, सोचो। तो हम एक कार्य करने वाले विराम, अब अलग अलग मन में अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन आनंद भी जन आंदोलन बनाया जा सकता है। आनंद जैसे विषय भी उससे जनता जुड़ती है, ऐसी जनता जुड़ती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बिना जन सहभागिता के जनतंत्र गणतंत्र चल ही नहीं सकता। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अगर शासन आपको वास्तव में करना है तो जनता को जोड़ के ही करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयोग हमने किए। प्रधानमंत्री जी आज देश भर में जनता को जोड़ के, तो अभियान नोटबंदी का विनय जी ने जिक्र किया, बिना जनता के सहयोग से और कोई हिम्मत नहीं कर सकता था इस अभियान को चलाने की। उसके प्लस माइनस सोचता तो पांव पीछे खींच लेता, कदम पीछे खींच लेता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सच्चे इरादे और दृढ़ संकल्प ने पूरी जनता उनके पीछे खड़ी कर दी, और नोटबंदी का अभियान जनता के सहयोग से सफल हो गया, और कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसी बैठक में हम जा रहे हैं, और समय ज़्यादा हो रहा है, देवेंद्र जी और हमको समय पर पहुंचना है, इसलिए बात को विस्तार ना देते हुए मैं प्रबोधिनी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे विषय पर आपने ये कार्यक्रम रखा है पब्लिक पार्टिसिपेशन पर। निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा, और इसका अर्थ ये नहीं है कि सब चीज़ें हम कर रहे हैं तो हम ही अति विद्वान हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ आपके दिमाग में आइडियाज होंगे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और ज़्यादा कैसे, इसलिए जितने आइडियाज आएंगे आप सारे कंपाइल करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से, विनय जी से और रविंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ मुझे जरूर भेज दें ताकि और कुछ प्रयोग मैं मध्य प्रदेश में कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। हमारे मध्य में प्रबोधिनी के प्रबंधन समिति के सदस्य रेखाताई महाजन उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। अब मैं दूसरे सफल मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना अध्यक्षीय भाषण करें। आज के प्रमुख अतिथि और जिनका बड़ा ही ऊर्जापूर्ण और प्रेरणादायी वक्तव्य हमने सुना, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सभी लोग जिनके कार्यक्रमों का अभ्यास करते हैं और उससे सीखते हैं, ऐसे आदरणीय भाई शिवराज जी, आदरणीय अनिरुद्ध जी, विनय जी, आदरणीय रेखा भाभी, प्रताप भाई, रविंद्र जी,
यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मूल रूप से तो सुशासन के विषय पर और साथ में अगर जन भागीदारी हो तो मैं विनय जी को यह कहूँगा कि आपका नियोजन थोड़ा गलत हो गया, आपने एक सत्र केवल शिवराज जी का रखना चाहिए था। आज देश के मुख्यमंत्रियों में जन भागीदारी की मिसाल अगर किसी ने कायम की है तो वो शिवराज जी ने कायम की है, और मुझे लगता नहीं है कि अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा तबका बचा है जो किसी न किसी पंचायत में मुख्यमंत्री आवास पर न आया हो। हमालों की पंचायत हो गई, काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की पंचायत हो गई, पत्थर फोड़ने वालों की पंचायत हो गई, सभी तबकों की पंचायत लेकर उसमें से कार्यक्रमों को तैयार करना, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा नायाब और अनूठा तरीका शिवराज जी ने देश में तैयार किया है। और अगर हम लोग हमारा भारतीय मन अगर देखे तो या तो हम आंदोलन में एक साथ आते हैं या उत्सव में एक साथ आते हैं, और वही चीजें सफल होती है जिसमें लोग साथ में आकर भागीदारी के साथ जय पराजय को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। हमने देखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन भागीदारी का प्रयोग लोकमान्य तिलक जी ने किया, और महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव घरों में मनाया जाता था, तिलक जी के ध्यान में यह आया कि सभी समाजों को जाति व्यवस्था से परे और अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ रास्तों पर लाना है, तो क्यों ना हम सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करें, जो पूजा घर में होती थी उसको रास्ते पर करें, और उससे एक ऐसा आंदोलन बना। आज 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए और हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से एक सामाजिक समरसता और समाज का एक एकत्रित भाव हमको उसके माध्यम से दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने भी उसी जन भागीदारी का प्रयोग किया। शायद मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में आने तक स्वतंत्रता का आंदोलन ये जिनमें शौर्य है, जिनमें घर परिवार को छोड़कर देश के लिए बलिदान देने की इच्छा है, ऐसे कुछ लोगों तक सीमित था। और मूल सामान्य आदमी यह मानता था कि भाई ये मेरा समर्थन तो है पर मुझे हिम्मत नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मैं क्रांतिकारी नहीं हो सकता, मैं कोई बंदूक लेकर किसी के ऊपर बंदूक नहीं चला सकता। एक नमक का सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह ने आम आदमी को ये बताया कि अरे मैं तो जुड़ सकता हूं, ये तो बात सही है, तो मेरे देश का आंदोलन है, और करना क्या है, मुट्ठी भर नमक लेकर निकल पड़ना है। और एक नमक के सत्याग्रह ने स्वतंत्रता के आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी प्रक्रिया में जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। और हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो हमने ये देखा शायद अंग्रेजों से ज्यादा सुशासन जानने वाले कोई नहीं थे।
जिस प्रकार से अनुशासन के साथ सरकार को वो चलाते थे, शायद ही दूसरा कोई चला पाए। किंतु उस सरकार के साथ जनता का, समाज का कोई रिश्ता नहीं था, और इसलिए सारी चीजें करने के बाद हमको वो अपने दुश्मन लगते थे। जब तक सरकार का और समाज का रिश्ता नहीं तैयार होता, ये अपने लोग हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, और जब तक हम सब मिलकर ये कर रहे हैं, ये भाव तैयार नहीं होता, तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते। शिवराज जी ने जो बात कही, मेरे भी जीवन का यही अनुभव रहा। 1992 में मैं नागपुर में पार्षद बना, और उस समय एक विषय आया कि बाराखोली इलाके में गंदा पानी आ रहा है, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई महानगर पालिका में, फिर वो पानी ठीक हो जाए। और फिर मैंने ये कहा कि बाराखोली इलाका क्यों है भाई, तो क्या 12 मकान थे, क्या थे, इसको बाराखोली इलाका क्यों कहा जाता है? तो थोड़ा पूछा मैंने, वहाँ के जो पार्षद थे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि 30-35 साल पहले 12 शौचालय बनाए थे, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, एक भी शौचालय नहीं था, तो सरकार की योजना में 12 शौचालय बने। अब उस समय बड़े बड़े बने, वो कोई छोटे वो तो बनते नहीं थे, तो 12 लोगों ने ये शौचालय पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता क्या है, इतना बड़ा मैदान है और इतना बड़ा मकान बना के इसको शौचालय के रूप में इस्तेमाल करें, तो मूर्खता है। और उसके सीट जो है वो बुझा दी और वहाँ पर रहने चले गए, तो बाराखोली इलाका हो गया और शौचालय समाप्त हो गया। तो जब तक हम जन भागीदारी के साथ उसका महत्व लोगों को नहीं समझाते, जिस समय मैं महापौर बना, महानगर पालिका के अंतर्गत 36 गांव थे, एक गांव में गया, छोटा गांव था, 350-400 परिवारों का, एक भी शौचालय नहीं था। तो हमने वहां पर एक मैंने सभा की, मैंने कहा कि शौचालय क्यों बनाना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, और उस समय 7-8 हज़ार रुपये में शौचालय बन सकता था। तो हमने कहा कि आप 365 रुपये दीजिए, एक रुपये रोज के हिसाब से बचा हुआ पैसा महानगर पालिका देगी, और आपके घर का एक व्यक्ति इसमें काम करे, पानी डाले, रेती लाए, जो भी है वो काम करे। तो केवल 12 लोग सामने आए, लेकिन वो 12 शौचालय जिस समय बने उसको देखकर फिर और 100 लोग आगे आए, और 3-3.5 महीने में पूरे गांव के हर घर में शौचालय बना। और चूंकि उसकी जानकारी उनको दी गई थी, उसका महत्व उनको समझा था, और उसमें उनकी भागीदारी थी, तो उसको लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और वहीं की महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनी, और उनको हमने ट्रेनिंग दी, और फिर वो जाकर झोपड़पट्टियों में, मोहल्लों में जाकर बताती थी कि किस प्रकार से हमने हमारा गांव चेंज किया। और उस समय 30,000 शौचालय जन भागीदारी के माध्यम से फिर लोगों ने और पैसा देना शुरू किया, हम लोगों ने तैयार किए। और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे उसके बाद और आज तक इस्तेमाल में रहे। और इसलिए आज जब हम लोग, बिल्कुल शिवराज जी ने सही बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा है कि जब तक जन आंदोलन और जनोत्सव ये हम तैयार नहीं करते, स्वच्छ भारत अभियान ये कोई नई संकल्पना तो नहीं है, इतने सालों से सफाई के बारे में सब कह रहे थे, लेकिन आज जिस प्रकार से उसको एक जन आंदोलन का स्वरूप मिला, जनोत्सव का स्वरूप मिला, परिवर्तन हो रहा है, गांव शहर बदल रहे। अभी हमारे यहां पर एक योजना चलती थी, गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, और उस अभियान में कई गांवों को पुरस्कार मिलते थे। हमारे पोपट राव जी पवार यहाँ है, आदर्श गांव का बहुत सुंदर काम इन्होंने किया, और अभी आज कई आदर्श गांव तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये ध्यान में आता था कि
उस गांव में चले जाओ तो फिर रास्ते के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। निर्मल ग्राम का पुरस्कार मिला है और गांव की हालत वही है। तो आज जब महाराष्ट्र में 9000 ग्राम पंचायतें ODF हुई है तो इसका त्रिस्तरीय वैलिडेशन करने के बाद आज ये ध्यान में आता है कि ये 9000 गांव में किसी भी समय आप चले जाइए हर घर में आपको शौचालय दिखाई पड़ता है, क्योंकि जन भागीदारी के माध्यम से लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस तैयार करने के बाद जब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे ले गए तो ये कार्यक्रम यशस्वी हो रहा है, जिसका उल्लेख यहां पर किया गया। जो हमने जलयुक्त शिवार की योजना तैयार की, अभी हमारे यहां पर शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा हो कि जिसने इस योजना का विचार नहीं किया। कई सालों से महाराष्ट्र में पानी अड़वा पानी जिरवा इस प्रकार की योजना चल रही है, और हम तो मजाक में कहते हैं कि ये पानी अड़वा पानी जिरवा जो कांग्रेस की योजना थी उस जमाने में, तो काफ़ी मजबूत पार्टी थी और काफ़ी उसमें एक दूसरे के खिलाफ कारस्थानी भी चलती थी, तो हम कहते थे कि पानी अड़वा पानी जिरवा नहीं है, एकमेकाला अड़वा एकमेकाची जिरवा इस प्रकार की योजना है। लेकिन इस योजना को जब जन भागीदारी के साथ और कॉन्वर्जेंस मोड पर हमने लाया, हम करते क्या थे तो 14 अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलती थी केंद्र की और राज्य की वाटर कंजर्वेशन में, और अलग अलग जगह चलती थी, और फिर किसी को टोपी पहनाते थे, किसी को शर्ट पहनाते थे, किसी को बनियान पहनाते थे, किसी को पैंट पहनाते थे, किसी को जूता पहनाते थे, कोई तैयार नहीं होता था, सारा अधूरा काम। इतने सालों से इतना पैसा डालने के बाद उसके माध्यम से कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। सारी योजनाओं को एकत्रित लाया और उसमें फिर जन भागीदारी को हमने लाने की कोशिश की, और हमारे यहाँ पर पानी के क्षेत्र में काम करने वाले पोपट राव जी होंगे, हमारे अन्ना हजारे जी होंगे, सारे लोग जितने यहाँ पर पानी में काम करते हैं, सुरेश खानापुरकर जी होंगे, सभी लोगों की मदद ली, राजेंद्र सिंह जी की मदद ली, और इन सब लोगों ने उसको जन आंदोलन में और फिर जन उत्सव में परिवर्तित किया, और उसके माध्यम से आज 11,000 गांव हम लोग अकाल मुक्त करने की कगार पर है। 4,000 गांव हो गए और ये सीजन जब समाप्त हो जाएगा तो 11,000 गांव ये अकाल मुक्त हो जाएंगे, वाटर न्यूट्रल हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर, और इसमें जन भागीदारी से जो पैसा आया वो 400 करोड़ रुपया है। छोटे छोटे किसानों ने मेहनत दी, पैसा दिया, श्रम किए, और उसके माध्यम से ये परिवर्तन हम लोग यहाँ पर कर पाए। ऐसा मानता हूँ कि ये महत्व जन भागीदारी का है। मुझे याद है कि जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय एक निर्णय लिया गया कि भाई ये गैस की सब्सिडी जो है ये बहुत ज़्यादा है, और जो आम आदमी है उसको तो 8 ही गैस के सिलेंडर लगते हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा लगते होंगे तो उन्होंने ज़्यादा इसमें लेना चाहिए, और हम रैशनिंग लाएंगे और 8 सिलेंडर देंगे। पूरे देश में ऐसा भूचाल मचा कि अब गैस के ऊपर आप रैशनिंग लाओगे, और देश ने इतना रिएक्ट किया कि आखिर मनमोहन सिंह जी की सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा कि भई हम ये रैशनिंग नहीं लाएंगे। चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए, कुछ रहा कुछ नहीं रहा, उसी को बदल कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये कहा कि भाई जो सक्षम है वो क्यों गैस की सब्सिडी लेता है, आप छोड़ दो, आप खुद होकर छोड़ दीजिए। गैस के ऊपर हम कितनी विदेशी मुद्रा को बर्बाद करते हैं ये समाज के सामने उन्होंने लाया, और साथ में ये व्यवस्था खड़ी की कि अगर आप छोड़ देना चाहते हैं तो भाई बहुत सिंपल व्यवस्था है, एक छोटा सी इस व्यवस्था के तहत आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, हर व्यक्ति के दिल में देशभक्ति होती है, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन वो करने के लिए उसको अवसर भी मिलना चाहिए, वो करने के लिए व्यवस्था भी खड़ी होनी चाहिए। वो अवसर भी दिया, वो व्यवस्था भी दी, और देश के अंदर 1 करोड़ लोगों ने, और ये 1 करोड़ आंकड़ा क्यों ज़्यादा है, अगर हम विचार करें तो गैस कनेक्शन हमारे देश में
आज जितने हैं उसकी संख्या 13 करोड़। वो 13 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों ने खुद जाकर गैस की सब्सिडी छोड़ दी। 14,000 करोड़ रुपया देश का बचा है। केवल लोगों को इंस्पायर किया, कार्यक्रम में लोगों को सहभागी किया। हम लोग ये हमेशा कहते थे कि जो ऊपर है वो थोड़े नीचे आए, जो नीचे है वो थोड़े ऊपर आए, दोनों के हाथ हाथ में आए तो समाज आगे जाएगा, ये बोलते थे, होता नहीं था, लेकिन ये हुआ। 1 करोड़ लोगों ने समाज के जिनके पास सधनता है सब्सिडी छोड़ दी, और उसके कारण आज 5 करोड़ उन परिवारों को जिनको आजादी से लेकर आज तक गैस का चूल्हा नहीं मिला, गैस का सिलेंडर नहीं मिला, ये 1 करोड़ लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी उसके माध्यम से उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम उज्ज्वला योजना के तहत चल रहा है। मैं मानता हूँ ये ताकत है जन भागीदारी की। और आज प्रधानमंत्री जी यशस्विता के साथ इस देश को एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रहे, इसका कारण क्या है? तो एक भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का ऐसा नहीं है कि जिसमें जन भागीदारी न हो, जिसमें जनता न हो, जिसमें लोग न हो, ओनरशिप होनी चाहिए। जब देश जीतता है तो उस जीतने में मैं हूं, ये जो भावना होती है ये आदमी को प्रेरित करती है। जीत का हिस्सा मैं हूं, छोटी सी भी जीत हो। आमिर खान एक्टर, उन्होंने वाटर कप किया हम लोगों के साथ मिलकर, और उस वाटर कप में हमने देखा कि जिस प्रकार से उनकी लगान जैसी फिल्म में जो हमने फिल्मी स्टोरी देखी उसको इस वाटर कप में हमने जमीन पर होते हुए देखा, क्योंकि लोगों को एक गोल मिला, लोगों को प्रेरणा मिली, और लोगों को जीतने में भागीदारी मिली। तो ये 3 चीजें साथ में आने से गांव के गांव लोगों ने बदल दिए, गांव के गांव बदल गए, और इतना लोगों ने काम किया, और अभी 30 तालुकों में वो काम इस बार के वाटर कप के माध्यम से हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जरिया ये है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग ये मानते हैं कि जन भागीदारी के 2 ही हिस्से हैं, एक हिस्सा सरकार है और दूसरा हिस्सा सोशल सेक्टर है, एनजीओज है, व्यक्ति है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले लोग है, ये तो है ही। पर मैं ऐसा मानता हूं कि इसके साथ में हम बिजनेस को जोड़ें, क्योंकि आज हम लोगों को कई बार ये लगता है कि बिजनेस का अर्थ ये केवल प्रॉफिटियरिंग है। मैं नहीं मानता, प्रॉफिटियरिंग तो है ही, लेकिन आज CSR के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इतना ही नहीं है। तो आज हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो सारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश की आवश्यकता है, उस निवेश के माध्यम से रोजगार तैयार होता है, उस रोजगार के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसके साथ साथ एथिकल बिजनेस को भी जोड़े, सरकार हो, समाज हो, एनजीओ हो और बिजनेस हो, मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश की संभावनाएं इतनी ज्यादा है। और आज दुनिया में जो निवेशक है प्रॉफिट का विचार नहीं करते, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का विचार करते हैं, और इसलिए एथिकल बिजनेस को इसके साथ जोड़कर इसके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम खड़ी कर दे। स्वच्छ भारत के साथ साथ जिस समय टॉयलेट सीट्स में इनोवेशन हुआ और उसके मार्क तैयार हुए, वो एक बिजनेस मॉडल है, जिससे रोजगार भी तैयार हुआ है, हर गांव में रोजगार तैयार हो रहा है। आज हम फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करते हैं, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अब जैसे हमने उस्मानाबाद में एक ग्रुप ऐसा तैयार किया कि जिसने केवल फार्म मैकेनाइजेशन के सारे औजार वहाँ पर ले लिए और सारे किसानों के खेतों में जाकर मैकेनाइज फार्मिंग की जितनी आवश्यकता है वो जाकर कर देते हैं। अब वो अगर तैयार होता है तो उसके साथ उसको सुधारने वाले
स्किल मैन पावर हमको चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज हमारे ये सारी जन भागीदारी में जिस समय हम बिजनेस को लाने का विचार करते हैं तो एक भावना ऐसी तैयार होती है कि भाई अब ये त्याग की भावना नहीं रहे। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, एथिकल बिजनेस को भी इसका अगर हम पार्ट बनाएंगे तो ये जन भागीदारी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत तेजी से आगे ले जाएगी। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की जो राष्ट्रीय परिषद है, इस राष्ट्रीय परिषद में जन भागीदारी के ऊपर और सुशासन से जन भागीदारी इसके ऊपर विचार होगा, अलग अलग सफल लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके माध्यम से देश में एक नया विचार, एक नया आचार ये परिषद हमको देगी, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। और रामभाव मालगी प्रबोधिनी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देश में नवाचार के लिए रामभाव मालगी प्रबोधिनी ने हमेशा ही अच्छी भूमिका निभाई है, अग्रिम भूमिका निभाई है और इसके आगे भी इसी प्रकार का कार्य मालगी प्रबोधिनी करेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपके और शिवराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और उद्घाटन सत्र यह समाप्त हो रहा है लेकिन कुछ सूचना है और दो तीन परिचय है। वैसे प्रबोधिनी की पूरी टीम काम करती है लेकिन खास करके दिल्ली से जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा संचालन किया, आयोजन किया, ऐसे तीन कार्यकर्ता हमारे मध्य में उपस्थित है। सबसे पहले रवि पोकरणा, दिल्ली में मालगी प्रबोधिनी का काम चालू हुआ है उसकी बागडोर आप संभालते हैं। दूसरे प्राध्यापक स्वदेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। और तीसरे संतोष गुप्ता जी, ISRN के नाम से काम चलता है दिल्ली में, उसके आप सही हो। बाकी सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका परिचय होगा। मैं फिर से एक बार सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और पत्रकार मित्र यहाँ पर है उनके भी प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप कृपया सभी यहाँ यही बैठे रहे क्योंकि परिषद के बारे में कुछ सूचनाएँ देनी है, तो सूचनाएँ के लिए आप सबको निवेदन है कि कृपया आप यही बैठे रहें।